लोकसभा सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस नेता पप्पू यादव में घमासान मचा हुआ है। पप्पू यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव का दावा है कि पूर्णिया में कांग्रेस की ही जीत होगी। वहीं उधर तेजस्वी यादव भी पप्पू यादव की दावेदारी पर खरी खरी सुना चुके हैं। तेजस्वी ने साफ तौर पर कहा कि उनका गठबंधन कांग्रेस से है, किसी एक व्यक्ति से नहीं। दरअसल सीट बंटवारे में आपको बता दें, पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में आई और आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन पप्पू यादव के रुख से महागठबंधन में घमासान शुरू हो गया है। पप्पू यादव कह चुके हैं कि वो दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन पूर्णिया की सीट नहीं छोड़ सकते, और ऐसे में ये देखना होगा कि महागठबंधन में जो ये कलह चल रही है उसको कैसे सुलझाया जाएगा। हालांकि पप्पू यादव के इस क्लेम पर कहीं ना कहीं तेजस्वी ने भी अब खरी खरी सुना दी है। और इस वक्त तीन तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए किस तरह से बिहार में भी महागठबंधन में कलह लगातार जारी, सीटों के बंटवारे पर और पूर्णिया सीट पर तकरार लगातार जारी है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं इस सीट को नहीं छोड़ूंगा, वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने बीमा भारती को इसका उम्मीदवार बना दिया है। हाल ही में बीमा भारती ने आरजेडी का दामन थामा और इसके बाद आप देखिए किस तरह से उनको पूर्णिया की सीट दी गई, लेकिन पप्पू यादव नाराज। सीमांचल की जनता अपने कांग्रेस के झंडा स्वीकार करती है और सीमांचल में कांग्रेस की झंडा स्थापित करना मेरा पहला धर्म है। हम लोगों का विषय नहीं है, हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से अलायंस है और सीट बंटवारा जो है वो तो जनवरी से ही बातचीत हम लोगों की चल रही है, वो तो उसी टाइम से सारी बातें तय हो चुकी थी। तो यहां पर आपने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी और सीधे रुक कर लेते हमारे सहयोगी प्रशांत झा का। प्रशांत, देखिए किस तरह से पप्पू यादव कहते हैं कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया की सीट नहीं, वही बीमा भारती उम्मीदवार, महागठबंधन आखिर इस रार तकरार को कैसे सुलझाएगा? देखिए, महागठबंधन में पूर्णिया सीट को लेकर के कोई तकरार सुलझने नहीं जा रही है। पप्पू यादव ने अनाउंस कर दिया है कि वो 4 तारीख को अपना नॉमिनेशन करेंगे, यानी बीमा भारती ने 3 तारीख का पहले से अनाउंसमेंट किया हुआ है, नॉमिनेशन का डेट फाइनल किया हुआ है। अब पप्पू यादव ने 4 अप्रैल का डेट फाइनल कर दिया है और पप्पू सीधे तौर पर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ पूर्णिया की सीट अब हॉट के किस लिए हो जाएगी कि एक तरफ संतोष कुशवाहा एनडीए के कैंडिडेट होंगे तो दूसरी तरफ बीमा भारती महागठबंधन के कैंडिडेट होंगे और पप्पू यादव त्रिकोण बनकर के वहां खड़े होंगे और वो आरजेडी के लिए सबसे बड़ा मुश्किलात पैदा करेंगे। शिवांगी, बिल्कुल साफ तौर पर। और प्रशांत, देखिए किस तरह से जब खाते में आरजेडी की सीट आई है और उन्होंने एक आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि बीमा भारती उम्मीदवार होंगी, तो पप्पू यादव इस तरह से जब बयानबाजी कर रहे हैं और उसके बाद तेजस्वी ने भी मुखर होकर बोल दिया है, कैसे कांग्रेस और आरजेडी खासकर बड़े जो नेता हैं वो संभालेंगे, क्योंकि जनता के बीच तो एक अलग तरह का संदेश जा रहा है। देखिए शिवांगी, पप्पू यादव ने सीधे तौर पर यह पहले से ही अनाउंस किया हुआ था कि वो पूर्णिया सीट से लड़ेंगे और वो एनडी गठबंधन के तरफ से लड़ेंगे और इसी को लेकर के कांग्रेस में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया था, लेकिन आरजेडी ने उनके साथ यहाँ पर गेम कर दिया और आरजेडी ने टिकट बीमा भारती को दे दिया। बीमा भारती को टिकट दिए जाने से पप्पू खासे नाराज भी हो गए थे और पप्पू का ये कहना था कि उनके साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव गेम कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ये मामला था कि जो 9 सीटें कांग्रेस को देनी थी उसमें अगर पूर्णिया सीट कांग्रेस को मिलती तो निश्चित तौर पर पटना जैसे सीटों से कांग्रेस को हाथ धोना पड़ता। बिल्कुल प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन जरा दर्शकों को हम समझा दें कि आखिर पूर्णिया की जो सीट है वो क्यों महत्वपूर्ण है और बीमा भारती से लेकर पप्पू यादव हर कोई आखिर क्यों इस सीट के लिए जद्दोजहद कर रहा है। आरजेडी ने आप देखिए किस तरह से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन पप्पू यादव मुखर होकर बोलते आए हैं कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन इस सीट को नहीं छोड़ूंगा। तो बीमा भारती यहां से उम्मीदवार है लेकिन पप्पू यादव ताल ठोक रहे हैं, दावा कर रहे हैं, और ये आरजेडी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई अब सबके सामने आई, खासकर बिहार की जनता देख रही है कि आखिर महागठबंधन में क्या हो रहा है। तेजस्वी ने ही आपको बता दें कि बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया, क्योंकि हाल ही में बीमा भारती आरजेडी में शामिल हुई और कहीं ना कहीं एक बड़ा रिवॉर्ड
के तौर पर ये देखा जा रहा है उनकी उम्मीदवारी जो है पूर्णिया से। वहीं कांग्रेस की जीत होगी ये दावा करते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आरजेडी कांग्रेस के बीच आपस में लड़ाई और कैसे लोकसभा चुनावों के दौरान इसको ठीक किया जाएगा। वहीं आपको सीटों के बंटवारे पर जो इंडिया गठबंधन है उसमें क्या हलचल है वो भी बता दें। आरजेडी आप देखिए 26 सीटें, कांग्रेस 9 सीटें, सीपीआईएमएल 3 सीटें, सीपीआई 1 सीट, सीपीएम 1 सीट और आरजेडी के ही खाते में आप देखिए पूनिया की सीट आई थी। लेकिन कांग्रेस और पप्पू यादव किस तरह से दावा ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि इस सीट को तो मैं नहीं जोड़ूंगा। प्रशांत झा लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रशांत, देखिए जब आरजेडी के खाते में ये सीट आ गई, बीमा भारती के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया गया, पप्पू यादव की इस बगावत को आरजेडी ने तो साफ तौर पे आप देखिए तेजस्वी ने रिएक्शन दे दिया, लेकिन कांग्रेस इसको कैसे देख रही है या कांग्रेस उनको बैक कर रही है इसके लिए? तो प्रशांत के पास हम लौटेंगे, लेकिन आप देखिए किस तरह से पूनिया के सीट पर तकरार लगातार जारी है और महागठबंधन में इसी सीट को लेकर घमासान चल रहा है। एक तरफ बीमा भारती उम्मीदवार बनाई जाती है, वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव कहते हैं कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा, दुनिया छोड़ दूंगा, लेकिन पूनिया की सीट नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस की ही ये सीट है, कांग्रेस की यहां से जीत होगी। और ऐसे में ये देखना होगा कि महागठबंधन आखिर इस पूरे मामले से कैसे निपटता है। Z News.